वही लोकेशन है, चार मॉल हाई पॉइंट के, हाई पॉइंट से राइट लेना, हाई पॉइंट है ना पीजी मॉल है, हाँ हाँ वही लोकेशन, हाँ हाँ वही लोकेशन।
या दिव्या वॉज लाइक सिस्टर टू मी, और इस इंडस्ट्री में मुझे शायद वही एक थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, और मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाली दिव्या है, मुझे मुंबई में लाने वाली दिव्या है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, आई डोंट बिलीव कि आज शी इज़ नो मोर। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही कहूँगा। आई कांट फाइंड अ फ्रेंड लाइक हर। बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की थी। थैंक यू। I know Divya is a very, very strong girl, and she was strong till end. She was fighting. I just wanna say that I'm very, very proud of her. I'm gonna miss her. उतारना पड़ेगा। मास्क पहने रखो, उतार दो। पहने रखते हुए छोड़ो, बैठो। फ्रेश सर्विस थी दिव्या की। हम सब उसी में आए थे एक्चुअली, उसकी मामा और भाई को सपोर्ट करने। एंड दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी। सॉरी, बहुत अच्छी लड़की थी दिव्या। इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन, वी डोंट नो अचानक से क्या हो गया। शी वॉज नॉट कीपिंग वेल, उसकी हेल्थ ही खराब थी, और कोविड की वजह से एवरीथिंग जस्ट केम टू अ टॉस। लेकिन स्ट्रेस्ड भी बहुत थी वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, बट आई एम वेरी श्योर कि अब वो जहाँ है बहुत ही, शी इज़ हैप्पी नाउ। एंड आई रियली विश कि मी हर सोल रेस्ट इन पीस, एंड ऑल माई कंडोलेंसेस टू हर फैमिली, उसके मम्मा और भाई को। आई मेट देम, दैट्स इट, थैंक यू। दिव्या मेरी बहन जैसी थी। पहला शो मैंने उसके साथ किया था, प्रीतो मेरा पहला शो उसके साथ था, और पहले दिन से हम बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई बहन वाला रिश्ता हो गया था। मेरे पास तब गाड़ी नहीं होती थी, तो उसने मुझसे बोला था कि पवई से तू अंधेरी कैसे आएगा, आजा मेरे साथ बैठ जा, मैं तेरे को ड्रॉप कर देती हूँ। तब से मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो मुझे बताती थी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसे बताता था। धीरे धीरे मैंने भी ग्रोथ करनी शुरू की इंडस्ट्री में, और बहुत खुश होती थी जब मैं उसे बताता था। वो जब इस घटिया इंसान से शादी हुई, उसकी गगन से, तो मैं उसको बोलता था ये इंसान ठीक नहीं है दिव्या, तो कहती थी मैं प्यार करती हूँ, मैं इसे ठीक कर दूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इसे इतना मारता था, इतना उसे टॉर्चर करता था। वो इंसान जहाँ भी हो ना, उसे छोड़ना नहीं, उसे मरना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना नहीं कहीं। थैंक यू। मुझे ही बोलना है ना। नमस्कार, मैं निशा पारेख, और आज दिव्या दीदी से मैंने एक शो किया था उनके साथ में, और हमेशा से उनसे बहनों वाली फीलिंग रहती थी। वो मतलब आज वो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो है ही नहीं।
बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर की थी, हर बार मैंने उन्हें सब कुछ समझाया और मैं हमेशा उनके साथ में रहती थी कि दीदी आप प्लीज़ अपना डिसीजन चेंज कर लो, बदल जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कुछ भगवान को कुछ अलग ही था, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा, हमेशा सजना संवरना, हमेशा खुश रहती रहती थी, हर टाइम मस्ती रहती थी, सेट पे भी हमेशा मस्ती करती थी, कुछ भी बोलो उसको नाराज़ होती थी लेकिन सबको मनाने आ जाती थी हमेशा सेट पे। बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ ढूंढूं उनको और कैसे, बस यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और समथिंग कि मैं खुद ही बोलूं, मैंने आपको दो बोलना है। इट हैज बीन अ वेरी पेनफुल वीक फॉर मी। दिव्या वाज वन ऑफ माय फर्स्ट फ्रेंड्स इन मुंबई। ये रिश्ता से नंदिनी और गुलाबों की जर्नी आप लोगों ने सब ने देखी थी, पर ऐसे फिनिश हो ही नहीं पता। वो बहुत ही प्योर सोल थी, सबकी हेल्प करती थी। जब जब मैं उसके घर गई हूँ उसको देखा है, कोई ना कोई नए पर्सन की हेल्प करती थी, वो शेल्टर देती थी। और ऐसी बंदी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए था। शी डिज़र्व टू लिव मोर एंड आई जस्ट विश वो जहाँ पर भी है बस पीसफुल रहे और अपने पापा के पास खुश रहे। मे आवर सोल रेस्ट इन पीस। लव यू दिव्या। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। वो बीमारी से नहीं, वो सदमे से गई है। जो उसको टॉर्चर किया गया है वो उससे गई है। मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए बस। देख बात इतनी पॉजिटिव लड़की होने के बाद अगर वो कोविड से गई है ना तो मैं मान ही नहीं सकता। इतने टाइम से टॉर्चर सह रही थी, हमें भी नहीं पता था। दुनिया के सब लोगों को, उसके फैंस, उसके फ्रेंड्स, हर किसी को थोड़ा थोड़ा सबको बता के गई है वो। अभी जब पता लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि काश पहले पता होता ये चीज़। गगन सेठी, रौनित सेठी गबरू देहरादून में रहता है, पूरा एड्रेस है मेरा उसके पास। अपने आप को वो बताता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मेरे पास गन है, मेरे पास ये है, मैं तेरे भाई को मरवा दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा जान से। उसने बेल्टों से मारा, धमकी देता है दिल्ली आके तेरे भाई को मरवा दूंगा तुझे पता नहीं चलेगा। वो इंसान इस टाइम भागा हुआ है ना, वो हॉस्पिटल में आया, उन लोगों ने टॉर्चर करा दिव्या को कॉल कर करके, आईसीयू में कॉल कर करके उसको वीडियो कॉल करा। उसके यहाँ पे पंप लगा हुआ था 100% पंप, कि वो बोल नहीं सकती थी, पंप उसको फोर्स कर रहा था ऑक्सीजन लेने के लिए, और वो वीडियो बना के IGTV पे डाल रहा है। मैं अंदर आईसीयू में गया हूँ, मैं उससे लिख के बात करता था क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, और वो दावा करता था कि हम लोग गलत हैं, हम घर में घुस गए हैं। मेरे मदर और मेरे फादर ने दिव्या को बॉम्बे में बनाया है, मेहनत उसने बहुत करी है, लेकिन पूरा सपोर्ट हमेशा फैमिली का रहा है। अभी कुछ 1-1.5 साल से, जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं तब से हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक होता है इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि दिल्ली में भी संभालना, बॉम्बे में भी संभालना। दिव्या थोड़ी अकेली हो गई थी शायद, बट हमने कभी साथ नहीं छोड़ा उसका। अब वो उसको इतना टॉर्चर करता था कि मैं अगर आपको दिखाना शुरू करूं, इतने एविडेंस है मेरे पास कि उसको फांसी, क्या फांसी भी बहुत कम सजा है। ऑलरेडी उसके इतने केस चल रहे हैं, बेल पे आउट है, तो भी बंदे में इतना दम है
कि वो ऐसा क्राइम कर रहा है, और बॉम्बे पुलिस के मैं गया FIR लिखवाने, उन्होंने बोला कि कोविड से डेथ हो गई है आपकी सिस्टर की, तो हम FIR नहीं कर सकते। तो मुझे पता नहीं आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन जो लीगल मेरे को अथॉरिटीज़ से हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। बस मेरे को यही है कि मेरे को जस्टिस चाहिए, और गगन सेठी मेरे को मेरे सामने चाहिए, और मैं देखूँगा कितना बड़ा गुंडा है वो, मैं देखना चाहता हूँ कितनी गन्स हैं उसके पास और कितना बड़ा क्रिमिनल है। दिव्या को मारता था वो यहाँ पे ये पैचेस, मैं ICU में गया, उसके पैरों पे भी पैचेस, वो देहरादून गई है शादी होने के बाद, और उसके बाद वहाँ पे मेरे को पता लगा, आज पता लग रहा है मुझे कि वहाँ पे उसको नौकरानी बना के रखते थे, उसको उसकी सास ने भी मारा है, उससे गोल्ड लिया है, सब चीज़ें ली हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। उसकी फ्रेंड, इतनी क्लोज फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसके भाई की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि देख मुझे सब पता है इसके भाई के बारे में, तो तू समझ जा मैं क्या चीज़ हूँ। सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से, नाम गबरू रख लेने से इंसान मर्द नहीं बनता, औरत की इज्जत करनी पड़ती है। और दिव्या जैसी लड़की, इतनी शरीफ, इतनी भोली कि पूरी इंडस्ट्री जानती है उसको, वो उसको टॉर्चर करता रहा, इतनी सहमी भी, डरी भी, कि उसको ये डर लगता था कि मेरे पापा चले गए, मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। इतना नाम उसका 10-11 साल से उसने जो लगातार शोज किए हैं ना, वो खुद से सब मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँची है। एक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए उस आदमी ने शादी करी उससे, मुझे नहीं पता किसने हेल्प करी उसकी, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुलेआम उसको बोलता हूँ कि भाई तू अगर तेरे में दम है ना गबरू सेठी, तो तू आ जा सामने और तब बात करियो, अगर पुलिस नहीं मानती तो हम बात करते हैं, कोई बात नहीं। एक बार फ़ोन नहीं आया उस आदमी का, मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो मारता कैसे था। अभी तक मैंने कुछ आउट नहीं किया है। पहली चीज़ ये जो मेरी बहन ने लेटर लिखा, ठीक 7 नवंबर 2020 को उसने लेटर लिखा, ये लेटर मुझे कबर्ड से मिला उसके। बहुत सारी बातें वो धीरे धीरे बताती थी, बच्ची थी ना, एज से बड़ा होने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुझसे बड़ी थी, बट दिमाग से वो बहुत बच्ची थी। मैं सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे। ये NC ओशीवारा थाने में जो वो पहले ही करा के गई थी, मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा, बस ऑडियो भी है बट आप वो सुना नहीं पाएंगे, वो इतनी गंदी है। ये उसके घर का एड्रेस है, ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी एक्शन नहीं लिया तो फ़ायदा नहीं है इस इंडस्ट्री में काम करने का। मैं सब एक्टर्स को बोलूँगा कि आप लो लाइफ जी रहे हो, अगर आपकी कोई मदद करने नहीं आता इसके बाद, इस टॉर्चर के बाद, बेल्ट से मारना उसको, बक्कल निकाल के। ये उसने बोला वो सेट पे गिरी थी आज से बहुत टाइम पहले, इंडिया फोरम्स पे ये आर्टिकल आया था, गगन ने उसको मारा था। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मेरी बहन 5 फुट की और वो साला 5-10 फुट का, तो ये जायज़ है कि वो हाथ उठाएगा तो उसको लगेगी तो ज़रूर। उसके बाद उसका सर फाड़ा गया, तो वो डॉक्टर के गई, 3 दिन के बाद सर फाड़ा गया, चूड़ा पहना हुआ उसने। सर फाड़ने के बाद उसको स्टिचेस नहीं लगवाए गए ताकि पुलिस केस ना बन जाए। लोगों को बताती रही वो कि मेरे को, हमें नहीं बताया क्योंकि हम शायद कमज़ोर पड़ जाते और यहाँ आके एक्शन ले लेते कुछ। वो लोगों को चैट देती थी, लिखती थी उनको कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और ये गगन सेठी ने एक बार नहीं, कई बार लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है। मेरे पास कई ऐसी बातें हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे को मैसेज करके बोलते हैं। आपको रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे अगर आप, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको, ताकि आप लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं सोशल हैंडल्स पे कि आप लोग पहले कहाँ थे, अगर ऐसा था तो उन्होंने शादी क्यों की। कभी कभी क्या होता है, आदमी कमज़ोर इतना पड़ जाता है ना कि उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। बात करने के तरीके से पता चल जाता है
आपके पास? ये तो बहुत गलत है, ये सुना नहीं पाऊंगा शायद। सुनाएंगे तो कोई सुन भी नहीं पाएगा। आपको बीप डालनी पड़ेगी इसमें। अब बोलते हैं तो मैं प्ले कर देता हूँ, चाहते हैं प्ले करूँ मैं? काफी बीप डालनी पड़ जाएंगी आपको। सब गाली मुझे दी। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कंफर्टेबल हैं, आपकी आपके लिए आप रिपोर्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए किस लेवल का ये चीज़ हुई है यहाँ पे। अब सुशांत का जब केस हुआ था वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं था, कोई गवाह नहीं था बोलने वाला, यहाँ पूरी दुनिया गवाह है। मेरा इंस्टाग्राम, मतलब मैं यूज़ नहीं करता था और आज मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है दिव्या के लिए। सब बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, दिव्या दीदी हमसे शेयर करती थी, उसके फैंस, उसके जितने भी लोग थे आसपास के, सिर्फ हमें नहीं बताया क्योंकि हमें दर्द होता शायद। ये उसने स्क्रीनशॉट है, ये कुछ उसने जिसमें लिखा हुआ है। हाँ उसके वो लोग उसको ब्लेम करते थे क्योंकि वो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जबकि पूरी इंडस्ट्री जानती है कि दिव्या सुना नहीं सकते हैं। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कि जूते चप्पल से मारा, बेल्ट से मारा, और दिव्या ने कभी हमें नहीं बताया कि मम्मी परेशान होंगी क्योंकि अभी पापा गए हैं तो मम्मी को बहुत दुख होगा कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। आज हमें पता चला कि शादी भी जबरदस्ती धमकी दे के कि तेरे भाई को मरवा दूंगा तब शादी करी है उससे, सिर्फ वेरीफाई काउंट करने के लिए। इतना डरती थी उससे वो, हमने कई बार हेल्प करने की सोची उसकी, थोड़ा सा सेंटर हमने कई बार हेल्प करने की भी सोची। जैसे मैंने कई बार उसको फ़ोन किया कि मैं दिव्या कहाँ है मैं आता हूँ, उसने इतना डरती थी उससे, उसने मुझे आज तक, इतना क्लोज फ्रेंड था, उसने आज तक मुझे अपना घर का एड्रेस नहीं बताया 2 साल से, ताकि मैं उसके घर पे आके उसकी हेल्प ना कर पाऊँ, इतना गगन से डरती थी वो। मम्मी पापा नहीं आ पाए ना, चिंटू आ पाया घर पे, इतना डरा के रखा था उसने उसको। वो घर जो मैंने बनाया, दिव्या को सेटल किया, मेरा बेटा मुंबई आया ऑफिस के काम से,
गगन ने कह दिया वो घर में नहीं आएगा, मेरा बेटा 10 दिन होटल में ठहरा। दिव्या रोती रही, इससे होटल में मिलने जाती थी लेकिन उसने उसको घर में नहीं आने दिया गगन ने। मैं काफी कुछ ऑलरेडी कह चुकी हूँ और आई थिंक जिसकी माँ ऐसी हो तो उस बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी वाली बात है। अभी मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी जो शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए हो, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। बट ये एक्चुअली हर एक लड़की के लिए मैं कहना चाहूँगी, दिव्या तो हमारे बीच में नहीं रही पर जितने उसके फैंस या उसने जिन जिन लोगों को ये सब बारे में, मुझे कभी दिव्या ने ये सब नहीं बताया क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैंने देवक को बोल दिया तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती और मैं सिर्फ गगन से एक बार ही मिली हूँ। और अगर उस दिन मुझे एक्चुअली पता होता ना कि गगन दिव्या के साथ क्या कर रहा है, मैं ना आगे देखती ना पीछे देखती, मैं सोचती भी नहीं कि उसका मैं क्या हाल कर देती वहीं पे। एंड दिस इज टू यू गगन, गबरू जो भी है, बड़ा वाला तू समझ ले तू क्या है। जितनी भी तूने जिंदगी में तेरी माँ बहन तूने गालियाँ दी भी नहीं होगी ना, वो सारी गालियाँ तू अपने लिए और अपने माँ के लिए एकदम संजोग के रख ले मेरे तरफ से। और जिस दिन तू मुझे दिख गया ना, तू बॉम्बे तो आना मत, कभी आना मत, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो जेल में ही जाएगा। अभी तो जहाँ पे भी भाग के गया है ना वहीं पे भाग के छुपा रहे। और क्या बोलते ना, ऊपर की लाठी जब मार पड़ती है ना लाठी की आवाज नहीं होती है। तो मतलब दिल से अगर किसी को आज मैंने बद्दुआ दी है ना, वो तुझे दी है। मतलब लिटरली बोलते ना कि कीड़े पड़ जाए मर जाए, तो एक्चुअली तेरे साथ वही होगा, तेरे साथ भी होगा, तेरे माँ के साथ भी वही होगा कि तुम लोग के बॉडी में ऐसे कीड़े पड़ेंगे ना कि कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा। ऐसी मौत मरोगे तुम लोग, ऐसी हालत होगी तुम लोगों की। तुम लोगों ने ऐसी एक लड़की को टॉर्चर किया है ना, जो लड़की अपने दुश्मन को भी ना अगर बोले ना कि दिव्या मुझे एक रात के लिए खाना चाहिए, सोने की जगह चाहिए, वो वैसी लड़की थी। और तुम लोगों ने उस लड़की के साथ ऐसा किया है ना, तुम लोग तो कभी खुश रहोगे ही नहीं। तुझे क्या चाहिए था, पब्लिसिटी चाहिए थी, तुझे आइडेंटिटी चाहिए थी, तुझे बॉम्बे में काम चाहिए था। अब तू बॉम्बे में काम करके बता, अब तू बता मुझे इंडस्ट्री में काम करके, तू बता मुझे गबरू सिंह और तेरी माँ तुम लोगों ने जितनी प्लानिंग की ना दिव्या को लेके, अब तुम लोग बताओ। मैं तुमको ओपन चैलेंज कर रही हूँ, तुम आके बॉम्बे में काम करके मुझे बताओ। सो द थिंग इज ऑफ कोर्स लीगली चीज़ें जाने के लिए वी नीड लीगल हेल्प। वहाँ पे आई नो ड्यू टू कोविड ये सब कुछ हुआ है, बट जो शुरुआत दिव्या करके गई थी, दिव्या को जब सब ने कहा तो उसने जाके एनसी करवा दी थी, दैट मीन्स वो प्रिपेयर्ड हो रही थी इस चीज़ को लेके फाइट करने के लिए। इस जो उसके साथ टॉर्चर हुआ है इतने सालों में, उसके अगेंस्ट वो जो स्टेप उठा के, क्योंकि मैं भी जब दिव्या से मिली, हम लोग बीच में बात नहीं कर रहे थे, काफ़ी साल बात नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ दिस मैन ओनली। क्योंकि जब दिव्या के लाइफ में ये आदमी आया था, तभी मैंने दिव्या को बोला था कि दिव्या ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है। कुछ ही दिन के बाद मुझे पता चला कि वो एक रेपिस्ट है, उसके ऊपर एक रेप केस चल रहा है, जिसके लिए लास्ट ईयर भी वो जेल जाके आया है, 10 साल की सज़ा हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दिव्या एंड बिकॉज ऑफ हिज सम क्लाइंट्स जो भी यहाँ पे थे इंडस्ट्री में, उनके आई गेस रिटन नोटिफिकेशन के वजह से, लेटर के वजह से उसको बेल मिल गई है उस टाइम पे। बट तभी मैंने दिव्या को बोला था कि दिव्या दिस इज़ नॉट राइट एंड यू आर नॉट डूइंग राइट, और उसके वजह से वो अपने पूरे घर वालों के अगेंस्ट हो गई थी। जबकि मैंने और मेरे ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने देखा है कि आंटी अंकल ने एक्चुअली दिव्या के लिए क्या किया है। मतलब इवन आई डू हैव माय मॉम राइट, बट ऑनेस्टली आई कुड से मेरी मॉम सब कुछ छोड़ा के मेरे साथ यहाँ पे जिंदगी भर नहीं रह सकती है, अपना काम छोड़ के, वहाँ पे भाई है, बट आई हैव सीन देम कि वो कैसे पूरा दिल्ली का घर काम सब छोड़ के दिव्या के लिए यहाँ पे आके रहते थे लिटरली। और जब गगन के वजह से दिव्या वॉज द वन जिन्होंने आंटी और अंकल को घर से निकाल दिया था, इट वॉज बिकॉज ऑफ गगन।
तो उसके बाद मैंने दिव्या से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। एंड ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ गगन दिव्या भी बाकी और भी जितने फ्रेंड्स थे सबसे अलग अलग हो गए थे। फिर भी मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर एक दो बार मैंने दिव्या को बोला भी कि दिव्या तू आ जाना मेरे घर, आ विल टॉक। बट टिल देन टाइम आई फेल्ट दैट शी इज़ हैप्पी, यू नो, इतने साल हो गए, मैंने कहा सब कुछ अच्छा ही होगा। सो बट दो तीन बार वो आई नहीं आऊँगी आऊँगी बोल के, तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा मे बी आई वॉज रॉन्ग, द गाई इज़ गुड और सब कुछ ठीक है, अगर शादी कर लिए देन इट इज़ फाइन। वरना तो मुझे पहले दिन से पता था एक नंबर का लुच्छा लफंगा है, उसको सिर्फ यूज़ करने के लिए वो आया है बॉम्बे। ये मुझे पहले डे वन से जब से वो फ़ोन पे बात करती थी मुझे तब से पता था। बट उसने किसी की सुनी नहीं उस टाइम पे। एंड देन सडनली अभी दो महीने पहले जब मैं उससे मिली, मैं खुद गई उसके घर गई मिलने के लिए, एंड गगन वॉज ऑल्सो देयर। तो वो अंदर ही रहता था, बैठा रहता था, ना दिव्या से कोई लेना देना ना बात करता था। मैं लाइक दिव्या को मैंने पूछा सब ठीक है ना, क्या हो गया? देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। बट ये मारपीट वाली चैप्टर तभी भी उसने मुझे नहीं बताई। देन फिर उसने मुझे बोला कि हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, उसको डिवोर्स चाहिए। मैंने कहा अच्छा। बट शी प्रिटेंडेड एज इफ लाइक शी इज़ वेरी स्ट्रांग नाउ। और दोस्त ने मुझे बोला कि देवो तू जैसा मुझे चाहती थी ना मैं बन जाऊँ, मैं वैसे ही बन गई हूँ, अभी हम सोलो ट्रिप्स करेंगे, हम घूमेंगे एंजॉय करेंगे, इनके पीछे अभी हम रोएंगे नहीं। मैंने कहा ओके वेरी गुड। तो कुछ दिन के बाद गगन चला गया देहरादून, जहाँ पे भी घर है अभी। देहरादून गया है, कहाँ गया मुझे नहीं पता। वो दिव्या को बोल के गया कि वो जा रहा है। उसके पहले भी बीच में उसकी मारपीट वगैरह हुई है। तो मैंने दिव्या को तभी बोला कि दिव्या तू NC करवा दे, तू कंप्लेन क्यों नहीं करती, FIR क्यों नहीं करती है। शी वॉज लाइक मैं करूँगी। तभी उसको बीच में गगन की जो गर्लफ्रेंड्स हैं, सो दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो गर्ल्स, बी केयरफुल, अगर आपको दूसरी दिव्या तीसरी दिव्या बनना है शौक से बनिए, बट अगर आपको ये एडवाइस लग रहा है कि सही है आपके लिए आपके घर वालों के लिए, तो आप लोग पहले से ही अभी एक एक FIR करके उसके नाम पर रख दीजिए। सो उसके बाद दिव्या को मैं बीच में मिली तो उसने बोला मैंने NC करवा दी है। वेरी गुड, क्योंकि वो बीच में करवा चौथ के दिन आया था तो उस दिन भी मारपीट करके गया है करवा चौथ के दिन भी, और बीच में तो वो उसका गोल्ड वोल्ड ये सब लेके तो भाग ही चुका था। फिर उस दिन मार के गया, उसके बाद उसने NC करवाया, उसके बाद शायद वो आया नहीं है दिव्या से मिलने के लिए, या तो फिर बीच में आया भी होगा तो मुझे पता नहीं। बट लास्ट अभी जब मैं उससे मिलने गई थी तब उसके पैरों में मैंने बड़े बड़े निशान देखे। एंड मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, ये कहाँ से लग गया। तभी भी उस लड़की ने मुझे एक बार नहीं बोला कि ये गगन ने मारा है करके, उसने मुझे बोला कि लाइट शूट पे लग गया। बट आई अंडरस्टूड कि गगन ने मारा है। उसके बाद जब मैं घर पे आई देन शी टोल्ड मी कि करवा चौथ के दिन वो आया था और उस दिन मुझे मार के गया है। सो दिव्या माई जो मुझे लग रहा है शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड प्योर सोल, मतलब वो बस अपने पॉइंट को कहीं ना कहीं, बिकॉज शी नोज कि पूरी दुनिया ने उसको समझाया था और वो अकेले उस इंसान के साथ खड़ी थी। अगर उस टाइम पे दिव्या उस कमीने के साथ खड़ी नहीं होती ना तो अभी तक वो जेल पे सड़ रहा होता। सो बिकॉज ऑफ दिव्या आज वो बाहर घूम रहा है, एंड बिकॉज ऑफ हिम आज दिव्या हमारे पास नहीं है। सो जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का जो मार होता है लाठी का, उसका आवाज़ नहीं होता है, तो उसके साथ वही होगा। बट स्टिल जो लीगल प्रोसेस है, जो प्रोसीड्योर है, हम अगर हमें लीगली हेल्प नहीं मिलेगी इस चीज़ को लेके फाइट करने के लिए, देन यू नो जो जस्टिस सिस्टम है ना, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। सो ऑलरेडी उसके ऊपर केस चल रहा है, 10 साल की सज़ा हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो अगर उसके अभी हम ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग खुद से बना के या कुछ, एवरी एविडेंस वी हैव, एवरी प्रूफ वी हैव, यू नो एवरीथिंग वी हैव, अगर आप फिर भी एक FIR दर्ज नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम है ना, जिस प्रॉब्लम के वजह से मे बी कोई हिम्मत नहीं करता होगा। ये शायद बहुत ऐसी लड़कियां होंगी जो ऐसे सफ़र कर रहे हैं और हिम्मत कर नहीं पाते, क्योंकि जब हिम्मत करते हैं ना तो सामने वाला कोई मदद ही नहीं करता।
पहले तो जो दोस्त 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 करते रहेंगे, 100 में से 90 तो पीछे ऐसे ही हट जाएंगे कि भाई दूसरों का पछड़ा है हमें क्यों पढ़ना है। अरे भाई जब दूसरे का पछड़ा है तो तुम आए क्यों दोस्त दोस्त के नाम पे, पहली बात। सेकंड चीज़, अगर लीगली हमें हेल्प नहीं मिलेगी तो कोई कैसे हिम्मत करेगा कि किसी के उनके साथ हो जो हो रहा है टॉर्चर या जो भी गलत चीज़ हो रही है उसके अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए, जब सामने वाला हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक नॉर्मल सिटीजन कहाँ जाएगा, लीगल हेल्प के लिए जाएगा ना कि भाई मेरी मदद करो। पर सामने वाला ही अगर बोल देगा कि नहीं ऐसा है वैसा है वो है, अरे यू आर हियर टू हेल्प द नॉर्मल इंडियन सिटीजन राइट, सो आप हेल्प करो ना। कैसे कर सकते हो, कोई भी तो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा ना। वी हैव ऑल द एविडेंसेस, वी हैव ऑल द प्रूफ्स, उसके बावजूद भी अगर आप हेल्प नहीं करते हैं तो लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही सहते रहेंगे। वी हैव विटनेसेस, और क्या चाहिए आपको, एन नंबर ऑफ विटनेसेस, लाइक यू कांट इवन काउंट। सो यू गाइस इवन कांट इमेजिन कि उसके साथ क्या हुआ है। आई नो दिस इज ड्यू टू कोविड, बट अपार्ट फ्रॉम इट द मेंटल स्ट्रेस, द फिजिकल अब्यूज, एवरीथिंग जो भी वो गई है, गो थ्रू उसने किया है, इट इज़ यू कांट इवन इमेजिन इट। सो या आई वुड लाइक से कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एंड जितने भी लड़कियां हैं या जितने भी लोग ऐसे इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ आवाज़ उठाइए, एक्शन लीजिए। अगर टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे देन फिर से ऐसे ही होता ही रहेगा, ऐसा होता ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। सो या दैट्स ऑल। Thank you.